भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पानी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और रसद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से प्रभारी मंत्री ने चर्चा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा आमजन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद अमनकाते, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा, प्रभारी सचिव जोगाराम, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एडीएम सिटी नंदकिशोर राजौरा, एसडीएम ओम प्रभा, नगर परिषद कमिश्नर दुर्गा कुमारी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एस के उपाध्याय के साथ ही विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि बैठक में सभी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें भीलवाड़ा जिले में हो रहे कार्यों पर मुझे खुशी है और कई जगहों पर तो यह प्रदेश में टॉप स्थिति में है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक सभी विभागों के आज अभी हुई और हर एक विभाग के बारे में जो अचीवमेंट्स हैं, कि जो चैलेंजेज हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके बारे में चर्चा की है। और मैं ये कह सकता हूं कि भीलवाड़ा जिला लगभग हर विभाग के हिसाब से परफॉर्मेंस भीलवाड़ा जिले की अच्छी है, बल्कि कई जगह तो भीलवाड़ा जिला ये कह सकते हैं टॉप पर है। विस्तृत तो पूरी इसकी जो जानकारी है तो कल हम आपको कराएंगे, लेकिन आज हमने ये तय किया है कि जो बजट घोषणाएं हैं, चाहे पुरानी बजट घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को भी हम पूरा करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर कहीं और भी बजट के अलावा भी अगर कोई घोषणाएं की है तो उन घोषणाओं को पूरा करें। कुछ विभाग जो जनता से जुड़े हुए बहुत सीधा प्रभाव डालते हैं एकदम से, चाहे वो जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, कृषि विभाग हो, इन सब के मामले में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उम्मीद करके चलते हैं कि भीलवाड़ा जिले में जिस तरीके से काम हो रहे हैं इनको और ये अभी बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनको और अधिक तेजी के साथ में आगे बढ़ाया जाएगा।